हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है ए। आज हम नया चैप्टर नाइन्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ए। इससे पहले हमने एट्थ चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो और इंटेलिजेंट बच्चे हो, तभी तो आपने होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लिया। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, इसमें हम जानेंगे बच्चों ए। ए एक अक्षर है। वेरी गुड, इस अक्षर को जानेंगे और इस ए की मात्रा को जानेंगे। बहुत अच्छे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र को पहचानेंगे और यहाँ पे उनके नाम लिखे हैं। इसमें हम ये पहचानेंगे कि इसमें ए का अक्षर लिखा है या ए की मात्रा। वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। तो पहले हम ए को अक्षर को जान लेते हैं और फिर उसकी मात्रा को जान लेते हैं, फिर हम चित्र देखकर उनके नामों में उनकी मात्रा और अक्षर में पहचान करेंगे। करोगे ना बच्चों? वेरी गुड, ये देखिए भैया बच्चों ए, और ये होता है ए की मात्रा। क्या है? ए का अक्षर ऐसे बनता है और ए की मात्रा ऐसे। वेरी गुड, यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हैं और यहाँ पे कुछ चित्र है। चित्र देखकर उनके शब्दों को पहचानेंगे, शब्द को पहचान कर फिर हम ये देखेंगे कि उसमें ए की मात्रा लगी है या फिर ए का अक्षर लगा है। पहचान लोगे ना बच्चों? वेरी गुड, ठीक है। बताओ बच्चों ये किस चीज़ का चित्र है? एडी का, हमारी पैर की एडी। अब ये बताओ इस एडी में ए के अक्षर का प्रयोग हुआ है या फिर ए की मात्रा का? हाँ, वेरी गुड, इसमें तो ए के अक्षर का प्रयोग हुआ है इस शब्द में। बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ ये चित्र किस चीज़ का है? ये चित्र एक का है, और एक में ए के अक्षर का प्रयोग हुआ है या फिर ए की मात्रा का? वेरी गुड, इसमें तो ए के अक्षर का प्रयोग हुआ है, मतलब एक लिखने में ए का प्रयोग होता है, ए की मात्रा का नहीं। बहुत अच्छे बच्चों। अब ये बताओ ये जो लिखा है मतलब चित्र है ये किस चीज़ का है? ये ठेले का चित्र है। अब ये मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, जो हमारा ठेला होता है जब हम उसको लिखते हैं शब्दों में, उसमें ए की मात्रा का प्रयोग होता है या फिर ए के अक्षर का? देख के बताओ बच्चों, ए की मात्रा ऐसे दिखती है और ए का अक्षर ऐसे दिखता है। अब इसमें बताओ ये ऐसा है या फिर ये ऐसा, अक्षर है या फिर मात्रा है? वेरी गुड, इसमें तो मात्रा लगी है, इसका मतलब ठेले शब्द में एक ही मात्रा आती है, अक्षर नहीं। बहुत अच्छे, आप तो पहचान करना सीख गए कि एक ही मात्रा क्या होती है और एक का अक्षर कैसा होता है। वेरी गुड, और भी चित्र दिए हैं जैसे पेट, मेज, ट्रेन, रेल, करेला, पेड़, सेब, इन सभी में ही एक ही मात्रा का प्रयोग है। वेरी गुड, हम तो ए के अक्षर और मात्रा की पहचान करना सीख गए। इनको आप पढ़ोगे और पहचानोगे कि अक्षर है या फिर मात्रा। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा है? आगे हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनमें हमें मात्राएं पहचाननी है, मात्रा एक ही है या फिर एक ही अक्षर है। जैसे रेत है, रेत पे क्या लगा है? एक ही मात्रा लगी है ना। वाओ, आप तो पहचान गए। बहुत अच्छे, ऐसे सभी शब्दों को पढ़े और मात्रा की पहचान करे या फिर अक्षर की पहचान करे, यही तो सीखना है। बहुत अच्छे बच्चों, चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे लिखा क्या है। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे। चलो बच्चों इसको पढ़ते हैं। आया आया फल वाला आया, रीना के बाहर आया फल वाला, ढेर सारे फल लाया, ताजे मीठे फल लाया, फल वाला आया, फल वाला आया। वेरी गुड, आम पपीता केला लाया, सेब चीकू भी ले आया, मीठा है ताजा है हर फल निराला है, आओ रीना आ जाओ ताजे मीठे फल ले लो, फल वाले ने उसे बुलाया। बहुत अच्छे, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या बताया है, हमने पढ़ तो लिया, अब हम इसको समझेंगे। चलो समझते हैं।
बच्चों आया आया फल वाला आया, रीना के बाहर फल वाला आया। ये क्या हुआ, फल वाला आया है अपने बहुत सारे फल लेके, किसके घर के बाहर, रीना के घर के बाहर। वेरी गुड, ढेर सारे फल लाया, ताजे मीठे फल लाया फल वाला आया। फल वाला क्या लेके आया, ताजे और मीठे बहुत सारे फल लेके आया है। वेरी गुड, आम पपीता केला लाया, सेब चीकू भी ले आया, मीठा है ताजा है हर फल निराला है। बच्चों कौन कौन से फल लेके आया है, आम पपीते केला सेब चीकू ये सब फल लेके आया है, और वो कैसे है, मीठे और ताजे है। वेरी गुड, फिर क्या हुआ, आओ रीना आ जाओ। किसको बुला रहा है फल वाला, रीना को। क्या कह रहा है, आओ रीना जल्दी आओ ताजे मीठे फल ले जाओ, मतलब जो वो फल लेके आया है ताजे और मीठे वो ले जाओ, फल वाले ने उसे बुलाया। वेरी गुड, आपने तो पूरा चैप्टर ही फिनिश कर दिया। चलिए बच्चों अब इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना हम लोग अभ्यास क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है, क्या जाना है। वेरी गुड, चलो हमें इसे पढ़ना है और सही उत्तर देना है। बहुत अच्छे बच्चों, बताओ वहाँ पे कौन आया था, फल वाला। वेरी गुड, एक और बताओ बच्चों, फल कैसे थे, बासी थे या ताजे थे। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, फल हमारे ताजे थे, हमें इन पे टिक लगाना है, जैसे ताजे थे ताजे पे टिक लगाना है। फल वाला आया या नल वाला आया, फल वाला आया था तो हमें फल पे टिक लगाना है। ऐसे ही अगला करते हैं, फल वाले ने किसे बुलाया, मीना को बुलाया या फिर रीना को बुलाया। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, रीना को बुलाया था तो हमें रीना पे क्लिक कर देना है। आप तो बहुत समझदार हो गए हो। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, खाली स्थान को भरना है, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं ना, अच्छे से समझ चुके हैं ना, तो हमें सब पता है। चलिए भरते हैं, फल वाला ताजे फल लाया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फल वाला क्या लेके आया, ताजे फल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ताजे फल। फल ताजे और निराले थे, क्या थे, ताजे और मीठे और निराले थे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, फल कैसे थे, मीठे थे ना और निराले भी थे, हम यहाँ लिखेंगे फल मीठे और निराले थे। वेरी गुड, रीना को किसने बुलाया, फल वाले ने बुलाया। अरे वाह, आपने तो खालिस्तान आसानी से भर दिए, ये सारा आपको होमवर्क करना है, अपनी सीट पर लिखना है। वेरी गुड बच्चों, अब एक बात बताओ, इनमें से एक शब्द अलग है उस पर गोला लगाओ। जैसे हमने जो जो पढ़ाई की है, जो जो शब्द पढ़े हैं, अगर उन शब्द से अलग शब्द हमें दिखे उस पर गोला लगाना है, जिस शब्द को हमने नहीं पढ़ा। जैसे सेब हमने पढ़ा है, संतरा, रोहित, केला, हमने रोहित नहीं पढ़ा, इसका मतलब हमें रोहित पे ऐसे गोला लगाना है, गोल गोल गोला लगाना है। वेरी गुड, आगे बताओ बच्चों, मूली गाजर आलू सीना, क्या हमने सीना पढ़ा है, नहीं ना, तो इस पे हमें गोला लगाना है। एक और बताओ, कुर्सी किताब राजा अलमारी, ये सब तो हमने पढ़े ही नहीं, इसका मतलब हमने सारों पे गोले लगा देने हैं। वेरी गुड, आपने तो 9th चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया, अब इसका होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। वेरी गुड, इसके बाद 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब आप अपना 9th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो, बाय बाय।